व्हाट्स अप गाइस, प्रियांशु गुप्ता हियर। सो अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी लेने। मुझे मॉल का नाम पता नहीं, हम कौन सी जगह जा रहे हैं। और ये हमारे साथ हमारे है, कौन से हाँ, मॉल जा रहे हैं भाई? मॉल नहीं, हम जा रहे हैं जियान हिल फूड मार्ट। ओके, हमारे घर के क्लोज ही है। सो अच्छी ग्रोसरी मिलती है उधर, वैरायटी भी है और प्राइसेस भी अच्छे हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग के लिए अच्छा है। तो 1 month में कितना एक्सपेंस आ जाता है? एक्सपेंस लाइक वी आर 7 people, उस हिसाब से एक आदमी के 60-70 डॉलर पर पर्सन आ जाएगा। और हम फ्रूट्स भी लाते हैं, ड्रिंक्स भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। ओके, कमी नहीं आती खाने की? बिल्कुल कमी नहीं आती। ओके, सो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या नाम है उसका? जियान हिंग फूड मार्ट। जियान हिंग फूड मार्ट, ये है स्कारब्रो में। कौन सी जगह? लॉरेंस एंड मार्कम। लॉरेंस में है। सो गाइस, हाँ, वहां पे पहुंच के चलते हैं। मैंने सोचा जब तक सारे तैयार हो रहे हैं अमर भाई और कई लोग दोस्त, तो हम ये खिड़की खोलते नहीं है। वैसे देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर बारिश हो रही है, सो मज़ा आएगा। चलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो गाइस, अगर आपने मेरा वीलॉग नहीं देखे, बाकी वीलॉग और बहुत सारे वीलॉग्स आने वाले हैं, और मैं कनाडा के बारे में हर एक जानकारी आपको बताऊंगा, एक एक छोटी सी चीज, छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट रेंट, मुझे अकोमोडेशन कैसे मिली, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए। सो हम आईफोन कैसे ले सकते हैं, आईफोन एक्स कैसे ले सकते हैं भाई? जीरो डाउन पे, जीरो डाउन पेमेंट पे आईफोन एक्स मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही, तभी कहते हैं सारी यार कैसे ले लेते हैं, पैसा कहाँ से आता है। पर रियल बैक स्टोरी कोई नहीं जानता यहाँ पे, कितना स्ट्रगल है और फीस भी निकाल, दिल चाहिए और क्या। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता, अगर आप किसी से हेल्प मांगो, कहीं कर देते हैं कहीं नहीं करते हैं। सो गाइस, अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में। कितना टाइम लगेगा अमर? लाइक हमारे घर से क्लोज ही है, सो मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट, ओके। तो फिर रास्ते में हम बात करते हैं। अपना अमर भी गरीबा, मैं बैठा स्कारब्रो दे बिच, ते अज आपां जांदे आ सौदे लैण। सौदे ग्रोसरी। ओके, सो इन्हां दा न्यू यूट्यूब चैनल बनूगा, केड़ा चैनल बनूगा तुहाडा? सोचा नहीं कुछ। चलो चलते हम ग्रोसरी लेने। सोचिया नहीं सी चलो। सो हम ये जो वीलॉग बना रहे हैं, वेरी वेरी मैनी मैनी थैंक यू टू हमारी मनप्रीत जी। और ये हम, ये घर बहुत ही अच्छा है, ये हम स्कारब्रो में हैं। स्कारब्रो एक ऐसी जगह है जो टोरंटो के बीच में आता है, ब्रैम्पटन और दूर है, किचनर और दूर है, मुझे किचनर में 1 घंटा लग जाता है। सो गाइस, किचनर में अगर आपको रहना है कॉनेस्टोगा कॉलेज में, तो अगर आपको कॉनेस्टोगा कॉलेज अच्छा लगता है, तो अकोमोडेशन का पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। और हम चलेंगे ग्रोसरी बाय करने, बहुत ही मजा आने वाला है। ये बहुत ही स्मार्ट बन रहे हैं, और कैसा लग रहा है आपको? ठंडा ठंडा। ग्रोसरी एक्चुअली लेने जाते हैं मंथ में 2 बार? नहीं, जब भी खत्म हो जाती है, मतलब खत्म नहीं, कभी एक बार अगर ज्यादा कर ले तो 2 बार तो मिनिमम हो ही जाती है। okay. क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें कम ज्यादा रह जाती हैं, और हमने पहले बताया कि हम फ्रूट्स भी लाते हैं, फ्रूट्स कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी चीजें तो खत्म हो जाती हैं, और समटाइम वेजिटेबल्स भी हम इतनी नहीं रख सकते ना, क्योंकि फ्रिज में कैपेसिटी लिमिटेड होती है और वैरायटी भी चाहिए थोड़ी। ओके, सो मिल्क वगैरह भी आप? या मिल्क वगैरह हम अगर 4-5 packets ले आए तो वो मैक्स 10 दिन चलेंगे। तो इसका मतलब पूरे मंथ का हम $150 तो लगा के चलते हैं? नहीं, 150 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पर हेड लगाएं, जैसे हमने पहले भी बोला कि हम 7 लोग रह रहे हैं, तो 60-70 इतनी आती है। अच्छा, 7 लोग की 70, मतलब 7 × 7 $490 हो गया। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा हो गया, 490 टोटल 400। हाँ, इतना 400 लग जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं गाड़ी की, और जल्दी तैयार हो जाएंगे। हर्ष भाई, अमर भाई, हर्ष अमर। तो ये है हमारी किचन, ये है मनप्रीत जी, इनका मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। मनप्रीत जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरा अच्छा लग रहा है। अब हम ग्रोसरी लेने जाएंगे। सो किचन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ हमें।
नहीं, माइक्रोवेव भी आपको रूम में मिल जाता है। ये जो है 2 BHK, कितना BHK? 3 BHK, तीन रूम। आमर की वजह से हम लेट हो जाएंगे। ये तवा है। ओके, ये फ्रिज है। आमर जल्दी तैयार हो, हमने जाना है यार, हम लेट हो रहे हैं। ऐसे व्यूवर्स के पास इसकी भी, इससे भी अच्छी फ्रिज हो सकती है, इसलिए हम फ्रिज अच्छी है। ये देखिए, हम मिल्क कितने लीटर लाते हैं अप्रोक्सीमेटली? 6 से 8 लीटर। हम 4-5 पैकेट ले ही आते हैं। 4-5 मतलब 2 लीटर का एक पैकेट होता है, तो हमें लाइक ये बैग लेके जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए। यस, क्योंकि वहां पे मिलते नहीं है बैग्स। मिलते हैं पर उनकी पॉलिथीन ना पतली होती है, अरे वो फट जाएंगे, तो हमें घर से लेके जाना चाहिए गाइस। अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो पहली बार भी, तो कोशिश करना आपके पास बैग्स हों। अनफॉर्चुनेटली फट जाते हैं और सामान बाहर भी आ जाता है। हुआ है कभी एक्सपीरियंस ऐसा? नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा। पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें ऐसे बैग्स लेके जाने चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, वीलॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब तक हम आपको मैं अपना घर दिखा रहा हूं। अपना नहीं, अपना ही है वैसे हम कह सकते हैं। अभी जो मैंने न्यू अपार्टमेंट लिया है वो $1770 का है, और ये स्कारब्रो का एरिया है, लॉ स्कारब्रो। यहाँ पे शांति बहुत है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, यहाँ पे शूज रखे हैं, और ये स्नो हटाने के लिए हमें ड्यूटी मिलती है, लाइक अगर स्नो पड़ती है हमें हटाना पड़ता है। जो वॉकिंग एरिया होता है बाहर का, आपको दिखा देते हैं वॉकिंग एरिया कौन सा है। ये लॉक हटा, ये देखिए, ये सामने है, ये वॉकिंग एरिया है। तो वॉकिंग एरिया को हमने हटा, मतलब यहाँ पे अगर स्नो पड़ती है तो हमें साफ़ करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, अगर आप बेसमेंट लेते हो तब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, बट अगर आप अपर हाउस लेते हो या ऐसे हाउस लेते हो, टाउन हाउस भी लेते हो, तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है स्नो को साफ़ करना, इसलिए ये वाली चीज़ रखी हुई है। तो अब हम सीधा मॉल चलेंगे बिना टाइम वेस्ट के। Thank you.
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये एक फूड मार्ट है और देखते हैं। मैं पहली बार ग्रोसरी लेने आया हूँ। पर पर्सन कितना कॉस्ट पड़ता है कि नहीं, अकोमोडेशन के बारे में भी आपको बता दूंगा साथ में। सो राइट नाउ अब हम चलते हैं ग्रोसरी देखने। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं? सभी चीज़ें मिल जाती हैं जी, मोस्टली सभी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप फ्रूट्स में वैरायटी देख लो, यूएस वाले, फुजियामा वाले, मोजैनो बनाना, बेबी बनाना ना, और प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है बाकी लोकेशंस के कंपैरेटिव, और वैरायटी अच्छी मिलती है। और आपको इंडियन स्नैक फूड भी इधर मिल जाता है, लाइक इंडियन फूड मीन इंडियन स्नैक्स, जैसे पार्ले जी भी मिल जाएंगे आपको। पार्ले जी भी मिल जाए, अच्छा जो हमने खाए थे। तो यहाँ पे सस्ता है? ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है बाकी के कंपैरिजन, बाकी के कंपैरिजन में बहुत फर्क है। इसका क्या नाम है? जियान हिंद फूड मार्ट। जियान हिंद फूड मार्ट। तो अभी तो मैंने अभी आपको सिर्फ फ्रूट्स ही दिखाए थे, और भी बाकी चीज दिखाएगा अमर, दिखाएगा ना भाई? चलो चलो दिखाते हैं। मैंने सोचा था ये स्टोर थोड़ा छोटा होगा, बट इट्स ह्यूज। और अगर आपको बाय करनी है ग्रोसरी स्कारब्रो में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी तो चलो पहले शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रोसरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमर के पास। अमर क्या सेलेक्ट कर रहा है, तो जो अमर सेलेक्ट करेगा तो उससे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो बात करते हैं। भिंडी 150 रुपए किलो है भिंडी 150 रुपए किलो है, 100 एलबी है। कितने एलबी है ये? और ये देखिए,
आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं आपको, सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, बट सब्जियाँ तो थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेंगी क्योंकि पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो भिंडी जो है वो है $3 की, और वो भी 0.75 LBS, उसका मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी कॉस्टली। हमारे यहाँ तो 10 रुपये, 12 रुपये या 20 रुपये की मिल जाती थी, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो हम थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं, क्योंकि अगर ये बनाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बनाने में एक तो टाइम वेस्ट होता है लोगों का, मोस्टली बॉयज़ जो होते हैं जो आते हैं कॉलेज के लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो मोस्टली यही इसी के साथ डील करते हैं कि इतनी सब्जियाँ महंगी हैं, तो फिर सब्जी से अच्छा तो हम कुछ प्रीपेड जो बना हुआ फास्ट फूड है वो खा लेते हैं। सो अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है, अभी तो ये सिर्फ हमारा सब्जी फल फ्रूट का सिस्टम था, और आपको मैंने वो दिखाया था जो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैंने दिखा दी है, तो और बहुत सारी चीज़ें आपको और दिखाना बाकी है। बाकी अमर भाई भी अपने वीलॉग बना रहे हैं, और आइए भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि इन्हें 7 मंथ्स हो गए हैं स्कारब्रो में, तो कैसा लगता है लाइक अच्छा मतलब ये एक ही आपने मतलब पूरा देख दुख के सब तब ये सेलेक्ट किए मार्केट? जब शुरू में आया था तो नई नई प्लेसेस पर जाते थे हम, तो लेकिन ये वाला जो है इसमें ये बहुत बड़ा है, इसमें वैरायटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि 3-4 लोकेशंस पर जाना पड़ेगा, एक ही में चल जाता है। तो इसका मतलब आपका टाइम सेव भी हो जाता है और फ्यूल भी सेव हो जाता है? टाइम फ्यूल जैसे भी लगा लो, हाँ बचत ही बचत है। बचत है, चलो। पर भिंडी तो यहाँ महंगी है, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो महंगे हैं यहाँ पे। नहीं, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ सस्ते भी हैं। अच्छा, आज गोभी, कॉलीफ्लावर, सॉरी पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, $4 की है। दो की है भाई, दो का एक की, $2 का है, मतलब 100 रुपये का हो गया। हाँ, 50 से मल्टीप्लाई करनी तो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, इसके इधर के हिसाब से अगर हम नोटिस करें तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता है, जो रेड में लगी है वो चीज़ इनकी क्लियरेंस के ऊपर है, वो सबसे सस्ती है। ओके, जो यहाँ पे रेड पे लगा होता है ना गाइस, वो क्लियरेंस पे होता है, जो येलो पे लगा होता है वो मतलब क्लियरेंस पे नहीं है। वो सिंपल है। सिंपल है, तो क्लियरेंस का क्या मतलब है कि ये पुरानी है? लाइक पुरानी नहीं, जहाँ वो चीज़ को सेल पे लगा देते हैं कि ये बिक नहीं रही तो थोड़ा सस्ता होकर बिक जाए, तो गुड क्वालिटी का फूड बेचना है, सो सस्ता है, ईजी है, लेकिन ईजी नहीं फल तो अच्छी पैकिंग करके देते हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक एक पीस दिया वो पॉलीथीन में डाला और फिर आपने बोला कि नहीं यार अभी इसका वेट करेंगे, ऐसा करेंगे, वो मैयड होके आता है सारा, ईजी टू हैंडल है। और अलग अलग रेट होते हैं, जैसे मैं इसमें बता दूँ सेम चीज़ है, ये 430 की है, ये 5.04 की है, ऐसा नहीं कि पर पैकेट है, वेट के हिसाब से। ओके, अगर आधा किलो लेना हो तो आधा किलो ले लो, नहीं तो 1 किलो ले लो, मर्जी है। अच्छा, कभी अलग अलग पैक में। और ये वाली क्या चीज़ है? ये पॉलीथीन है। ओके, तो इससे मतलब पॉलीथीन, ये मतलब जो भरने के लिए होता है कोई चीज़, अगर आपको भरना है, अगर आपको मल्टीपल लेने हैं, दो ले लिए, ये चीज़ होगी, आप ऐसे अगर नहीं रखना चाहते तो उसको पॉलीथीन में डाल लो। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन दीजिए। यहाँ तो हो गया फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, है ना जी। चलो चलते हैं आगे। लो हाँ जी, आप पहुंच चुके हैं फल सब्जियां को, लगियां ने गाजरां, वही अपनी देसी गाजरां, $3 का पैकेट, सस्तियाँ ने, बढ़िया। तो होर भी तुसी देख सकते हो बहुत ज़्यादा वरायटी आ, जिवें आपां खाण पीण के शौकीन होंगे आप कि कदे शिमला मिर्च बना ली, सॉरी शिमला मिर्च नहीं, सॉरी शलग नहीं यार। हाँ जी, आप पहुँच चुके अंदर, तो तुसी देख सकते हो आप ने गाजर, ये लगी आ $1 की अद्धा किलो, तो ये हैगी $3 का पूरा पैकेट, तो आ फायदेमंद आ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਪਾਇਆ, ਆਹ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਲਗਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 4 ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ, ਇਹ $3 ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ $2.5 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਗੇੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੂਡ ਲੈਣਾ। गाइस यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको, एक एक चीज़ें मिलेंगी। नॉन वेज की वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, चिकन से लेके कहीं भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टोर इतना बड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइक एक तो बजट में आ जाती है, और स्कारबरो में मैं शायद ही हूँगा क्योंकि मेरे जो कॉलेज है वो किचनर में है, कॉनेस्टोगा कॉलेज में है। तो कॉनेस्टोगा कॉलेज में जो डून कैंपस है उसके पास अगर ये चीज़ हुई तो सही रहेगा, बट यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत वैरायटीज़ हैं, पर वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही कम वैरायटीज़ हैं। तो आपको अपने लिए थोड़ा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, एक एक चीज़ मिल जाएगी।
पर वेजिटेरियनिक्स के लिए तो मुझे तो लग नहीं रहा, यहाँ पे सब्जियाँ कच्ची मिलेंगी। यहाँ पे नॉन वेज आपको प्रीपेड भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें लाइक प्रीपेड चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे जहाँ देखो यार, जहाँ देखो फिश, पोक, चिकन, आपको मैंने दिखा दी वीडियो, बड़ी बड़ी फ़िश भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ जहाँ जहाँ वहाँ से मैं उस एरिया से आ रहा हूँ और मैं एंड तक पहुँच गया हूँ, चिकन ये नॉन वेज की हद पार ही नहीं हो रही, ऑक्टोपस तक भी है। और ये सारा सी फूड है यहाँ पे, सी फूड बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। और ये देखिए यहाँ पे पानी में जो मोती और सीप वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी सीप्स भी है, वो भी चीज़ें हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस ये जो एरिया है ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स का है, जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, वेजिटेरियन भी ये इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे, आपको मिनिमम $2 से $1 से लेके आपको $5 या $10 में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे ये देखिए ट्रॉपिकाना का जूस है, वो $4 का है। और आप देख सकते हो ये वाला जूस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये एप्पल जूस होता है और ये $3 का हो जाता है। अच्छा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, और एग्स भी यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपको डाइट अपनी प्रॉपर रखनी है आपको $3 में 12 एग मिलेंगे, ये देखिए न्यूट्री कलर के, एंड जितने ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मिठाई भी है, ये देखिए रसगुल्ले हैं $6 के, और यहाँ मिठाई, ये सारा मिठाई वाला सेक्शन मुझे लग रहा है सारा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये देखिए बनी बनाई यहाँ पर रोटियाँ आ जाती हैं। मेरे हिसाब से ये कॉर्न की रोटी है, मक्की की रोटी है, और सरसों का साग आपको पता ही है जो हम पंजाबी लोग खाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे हम बढ़ते जाएंगे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मॉल है, सो गाइस इतना बड़ा मॉल है, मैं तो घूम घूम के थक गया। और इतनी सारी वैरायटीज, इतनी ज़्यादा वैरायटीज हैं कि आप देखोगे आप पूछोगे मतलब आप पागल ही हो जाओगे क्या क्या लें क्या क्या ना लें। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन, और हर एक चीज़ आपको सस्ते दाम में और एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। और ये स्कारब्रो से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और ऐसे मॉल्स आपको कहीं भी दिख जाएंगे। और यहाँ पे सी फूड नॉन वेज मैं कह रहा हूँ भर भर के है, और सस्ता का सस्ता है। और बना बनाया चिकन भी आपको ठंडे में मिल जाएगा, मतलब बना बनाया इन द सेंस जो हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, रोस्ट टाइप रोस्टेड मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया मिठाई वगैरह भी है जो बनती है $5 की है, और यहाँ पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो और चीज़ें दिखा सकते हैं वहाँ बिलिंग काउंटर के पास जाके। हमारी ये बास्केट फुल हो गई है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे एग्स भी हैं, जूस भी है, और ऐसी चीज़ों को नीचे रखें जो सॉलिड हैं क्योंकि ये ख़राब हो सकती हैं, जो लाइट चीज़ें ऊपर रखें और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ की जो ट्रॉली है उसमें शायद जो ट्रॉली है उसमें $1 डालना पड़ता है, $1 डालने के बाद ही वो ट्रॉली चलेगी। ये बहुत काम की चीज़ है, बने बनाए नान, ठंडे ठंडे नान, इसको आप माइक्रोवेव में गर्म करोगे और आपको नान बने हुए मिल जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इसकी कॉस्ट अराउंड, अगर आप बनाते हो तो सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप ये बाय करते हो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट इट्स अ गुड डील। अगर आपके पास टाइम है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए वीट जो $2 की रोटी है, ये रोटी बनी बनाई है, ये इट्स ओनली फॉर $2, कैन यू थिंक अबाउट इट, $2 की बनी बनाई रोटी है। और यहाँ पे बंद है ब्रेड्स हैं, इसे ब्रेड्स कहते हैं, इंडियन ब्रेड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये देखिए तंदूरी नान बना बनाया, कुछ नहीं करना आपने, बस माइक्रोवेव में गर्म करना और आपके नान तैयार हैं।
कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ये रखिए ये रखिए, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे सामने ये चिप्स हो गया, $3 के चिप्स हैं सिर्फ, ये रखिए, इट्स ओनली फॉर $3। ये चार पापड़ी है, वाह। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो गैस इसका नाम ही मतलब क्या क्या है आपको मैं बता नहीं सकता। ये देखिए बने बनाए सारी चीज़ें बने बनाई हैं, वाह मज़ा ही आ गया देख के। 7 रुपये के 30 पराठे, 30 है प्लेन पराठा, $7 के, नॉट 7 रुपये। सो बहुत सारी चीज़ें हैं गैस, आपको मैं हर एक चीज़ें दिखाने लग गया ना, तो फिर ये तो वीलॉग तो 1-2 घंटे का बन जाएगा। सो कुछ सोच सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये $3 की ये चीज़ें हैं, इसमें लिखा है सनराइज, ये देखिए चॉको ब्राउनी ब्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आगे स्वीट्स हमारी, ये है डेरी मिल्क की तरफ से, कितनी सुंदर है ना कैडबरी, ऐसी चीज़ आती नहीं, $3 की है ये। और ये चॉकलेट से कई हैंडमेड है, ये मफिन्स हैं $4 की, तो $1 का एक हुआ। ये देखिए आप कितने टेस्टी मफिन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी अर्निंग अच्छी हो जाती तो आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हो, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सुगैस अगर आपको वीलॉग अच्छी लग रही तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरी वीडियो को लाइक मत करना भूलना, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो और भी दिखा ही देते हैं आपको। मटर, राजमा, कौन कहते हैं यहाँ कुछ नहीं मिलता, चावल, लोग ऐसी हवा बनाए। ये टॉयलेट पेपर है, नैपकिन है, नैपकिन और टॉयलेट पेपर में बहुत डिफरेंस है गाइस। जो नैपकिन होता है वो लाइक अगर आप टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करोगे, आपका जो टॉयलेट है वो मतलब चौक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे राइस है, तो राइस डिफरेंट टाइप के हैं, कभी जो जैसे टोटा होता हमारी तरह। यहाँ दालें हैं, वाह बासमती चावल है, ब्राउन राइस है, इतनी वैरायटीज है। ये तो वेजिटेरियन में वैरायटीज है, उस साइड जो है वो नॉन वेज है, इस साइड है वेजिटेरियन, बहुत सारे लाइक $2, $3, $4 में। बाकी अगर आपने ये सामान देखना है आप ये देख सकते हो, और क्लीनिंग के लिए आपको ये सामान मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको आराम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किचन का सामान चाहिए, ये सारा क्रॉकरीज आ जाती हैं, किचन का सामान आ जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए और ये आ गया हमारा शैम्पू, किड्स का शैम्पू अलग है, नेपथनील बॉल आ गई, कान के ईयर प्लग्स आ गए, मतलब ईयर प्लग ईयर साफ करने वाले, ये देखो टूथपेस्ट आ गया, नीम पतंजलि का नहीं है हालांकि यहाँ पे, ये देखिए जेल आ गई है, और ये देखिए यहाँ पे आराम से यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखते ही जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिस्पोजेबल प्लेट्स आ जाती है, बाय चांस अगर आपको डिस्पोजेबल प्लेट चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। ये $2 की प्लेट है, डिस्पोजेबल भी लगती है बट आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, इसमें छेद दिए हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे और आपका ही बेनिफिट है, आपको धोना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे सारे ये मोस्टली डिस्पोजेबल चीज़ें आ जाती हैं। और ये देखिए ये चिक डिनर है, इन द सन ये चिकन है जो उसके लिए होता है, बिल्लियों के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा इंतजाम किया। और नीचे डॉग का फूड आ जाता है, डॉग फूड नीचे है और ऊपर है कैट्स का फूड। और ये आगे एग्स, देखिए कितने टाइप्स के एग्स हैं गाइस, इतनी वैरायटीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं है ज़िंदगी में, कनाडा आके इतनी वैरायटीज़ देखने को मिल रही है। सॉसेज की भी देखो कितनी वैरायटीज़ है, ये देखिए
और ये देखिए फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज नहीं है हम इसे कहेंगे पिकल्स। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अचार है, तो अचार भी हैं और यहाँ पे ये क्या है, एंड वी कैन सी इसे हम कहेंगे राइस पेपर। ये राइस का बना हुआ पेपर अगर हम चेक करें तो ये देखिए राइस पेपर, एंड बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। और ये गाइस ख़त्म ही नहीं हो रहा स्टोर, मैं घुसा हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, आप अपने काम की चीज़ें अच्छे से ले सकते हो। $150 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस अभी शॉपिंग हो जाएगी, जैसे ही हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बोल बोल के और आपको दिखा दिखा के। आपको अच्छी लगी व्लॉग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। बेल नोटिफिकेशन दबाने से यही होगा कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके रिलेटेड, आपके फायदे के रिलेटेड, तो जरूर अपलोड करूंगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि प्रियांशु व्लॉग्स अपलोडेड अ न्यू वीडियो। सो गाइस इसी के साथ हम चैनल मतलब यूट्यूब वीडियो को क्लोज करते हैं। प्रियांशु गुप्ता साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ग्रेट डे, टेक केयर। आज की शॉपिंग हो चुकी है गाइस, ये देख सकते हो कितने ज़्यादा सामान ले लिया हमने। तो अगर आपको लेना हो यहाँ पे ट्रॉली बैग्स भी मिल जाता है, ट्रॉली बैग्स नहीं है ये, एक्चुअली आप इसमें सामान रख सकते हो। तो हम चलते हैं और इस बैग्स में रखने हैं सारा, तभी ये सेग्रीगेट करके रखा है। चलो हमें हेल्प कर देते हैं, मनप्रीत की थोड़ी हेल्प कर देते हैं हम। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। सो गाइस ये देख सकते हो हमारा जो टोटल हुआ है 62.15 एज वेल एज यू सेव $2.70। तो ये है जगह का नाम और उसका एड्रेस, तो इसमें जो है 62 में आप देख सकते हो सब टोटल बना है और ये टैक्स इंक्लूड करके ही है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इन्हें भी करिएगा सब्सक्राइब। सो आपके चैनल का नाम है? अभी सोचा नहीं, अभी बनाएंगे तो ज़रूर मैं इनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। चलो अब चलते हैं करके।